बीरबल और पान वाला। एक दिन अकबर को पान खाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने खास पान वाले को बुलाया और पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाकर अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया। फिर उसने पान वाले से कहा, जाओ आधा किलो चूना ले आओ। पान वाला तुरंत दुकान की ओर भागा। बीरबल उसी रास्ते से महल की ओर आ रहा था जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था। उसने पान वाले को तेजी से कहीं जाते देखा तो पूछा, बताओ भाई तुम इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? पान वाले ने बीरबल को सारी कहानी बता दी। पूरी कहानी सुनने के बाद बीरबल ने कहा, ठीक है भाई, तुम जाओ और दुकान से चूना खरीद लाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बादशाह सलामत के पास जाने से पहले खूब घी पी लेना। पान वाले को यह बात समझ नहीं आई। उसे आश्चर्यचकित देखकर बीरबल ने कहा, आश्चर्य मत करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो, मैं भी महल पहुंच रहा हूं, मैं तुम्हें वहां पूरी बात बताऊंगा। बीरबल के कहे अनुसार पान वाला ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने उनके सामने आधा किलो चूना पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पान वाले को आदेश दिया, तुम्हें अभी हमारे सामने यह सारा चूना खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पान वाले ने सारा चूना खा लिया। जब वह चूना खाकर भी अकबर के सामने सुरक्षित खड़ा रहा तो अकबर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी आप ठीक कैसे हैं? तब पान वाले ने बताया कि वह बहुत सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। जब अकबर ने अपनी नजर बीरबल की ओर घुमाई तो बीरबल ने कहा, पान खाने के बाद जब पान वाले ने मुझे बताया तो आपने बिना कुछ कहे उससे आधा किलो चूना लाने को कहा, तो मुझे शक हुआ कि उसने गलती से पान में ज्यादा चूना मिला दिया होगा और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। आपने उसे सबक सिखाने के लिए इतना चूना लाने को कहा होगा। महोदय, इतना चूना खाकर बेचारे पान वाले की तो जान ही निकल जाती। माना कि उससे गलती हुई, लेकिन वह इतनी बड़ी सजा का हकदार नहीं था, इसलिए चूने का असर कम करने के लिए मैंने उनसे घी पीकर आपके सामने आने को कहा था। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और अगली बार ऐसी गलती न करने की चेतावनी देकर पान वाले को जाने दिया।